अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सबको रहमान फूड से मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको हमेशा रहमत के साए में रखें। आज रहमान फूड्स में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट एंड वनीला कपकेक्स। आइए झटपट से मज़ेदार से चॉकलेट एंड वनीला कपकेक्स तैयार करते हैं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। आइए मज़ेदार से चॉकलेट एंड वनीला कपकेक्स तैयार करते हैं। चीयर्स। मज़ेदार से वनीला एंड चॉकलेट कपकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1 रेड बाउल। बाउल में मैं ऐड करूँगी दही 130 ग्राम। जी व्यूअर्स, दही को हम हैंड बीटर की मदद से बहुत अच्छी तरीके से बीट करेंगे। व्यूअर्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर मेरे पास है 250 ग्राम और इसको भी हैंड बीटर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल 130 ग्राम, दही और चीनी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से हैंड बीटर की मदद से बीट किया है। और अब हम इसमें अब ऐड किया है दही, ऑयल ऐड किया है तो इसको भी हम इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 एग और इनको भी बहुत अच्छे तरीके से हैंड बीटर की मदद से बीट करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी मेरे पास 160 ग्राम है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हैंड बीटर की मदद से बीट कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, बेकिंग सोडा 8 ग्राम और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे छाना हुआ मैदा 225 ग्राम है मेरे पास और इसको पहले हम हाफ को मिक्स कर लेंगे और फिर बाद में हाफ डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये हाफ जो रह गया था ये भी इसमें डाल देंगे और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, मशीन से हमारे वनीला कपकेक्स का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसमें से हाफ हमने चॉकलेट कपकेक के लिए रखना है और हाफ हम इसमें से वनीला बनाएंगे। जी व्यूअर्स, केवल मैं इसके अंदर 2 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे मिक्सचर, उससे ज़्यादा हमने नहीं ऐड करना, जस्ट 2 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, इस तरीके से हमने कपकेक्स को फिल करना है। अब हम इसे ओवन में बेक करेंगे 160 डिग्री पर। जी व्यूअर्स, जो हमारा हाफ वनीला मिक्सचर है हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा चॉकलेट कपकेक का मिक्सचर भी बिल्कुल रेडी है। जी व्यूअर्स, माशा से हमारे वनीला कपकेक्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। जी व्यूअर्स, 160 डिग्री पे हम इसे बेक करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। माशा से हमारे चॉकलेट कपकेक्स भी रेडी हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारे वनीला और चॉकलेट कपकेक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो गए हैं। 160 डिग्री पर 15 मिनट्स में ये सारे के सारे कपकेक्स तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। आइए अब हम इन्हें डेकोरेट करते हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से वनीला एंड चॉकलेट कपकेक्स सब रेडी हैं। सबसे पहले मैं वनीला कपकेक रेडी करूँगी पाइपिंग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्प्रिंकल्स। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से मैं सारे कपकेक्स रेडी करूँगी वनीलास। व्यूअर्स, माशाल्लाह से मैंने सारे वनीला कपकेक्स रेडी कर दिए हैं। अब हम चॉकलेट कपकेक रेडी करेंगे उसी पाइपिंग की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट स्प्रिंकल्स, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं माशाल्लाह से। अब मैं सारे इसी तरीके से तैयार करूँगी। ओह मज़ेदार, इतने मज़े के चॉकलेट एंड वनीला कपकेक्स तैयार हो गए हैं चटपट से। आप भी इसी तरीके से, इसी मेथड से अपने घर में मज़ेदार से चॉकलेट एंड वनीला कपकेक्स बनाएं और मज़ा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको आफियत वाली ज़िंदगी अता करें, दोनों जहाँ की ढेरों खुशियाँ अता करें। अल्लाह ताला आप सब पे अपना ख़ास करम करें। मुझे भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी बहुत ही आसान और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।